नमस्कार। अच्छा शांत हो जाएं। शांत हो जाएं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत कि आप यहां आए, यात्रा में शामिल हुए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए और आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया। अच्छा भैया आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। देखिए आप यहां पास में खड़े हैं, आप आवाज कर रहे हैं, नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए आप। तो पिछले साल हमने कन्याकुमारी से, नमस्कार, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम चले। यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था, जो देश में आरएसएस और बीजेपी ने नफरत फैला रखी है, हिंसा का माहौल बना रखा है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की। और यात्रा का बहुत अच्छा नतीजा निकला कि देश में लोगों को पता लगा कि दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, एक विचारधारा नफरत की, हिंसा की, और दूसरी विचारधारा मोहब्बत, आदर, प्रेम की। यात्रा में से नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बात समझ आई? बात समझ आई? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में नफरत, हिंसा क्यों फैल रही है? इसका कारण भाइयों और बहनों अन्याय है। बीजेपी की सरकार, आरएसएस की विचारधारा देश में सिर्फ हिंसा और नफरत नहीं फैला रही है, वो देश में अन्याय फैला रहे हैं। मैं आपको आज दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा का पूरा फायदा, देश का पूरा धन दो तीन बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उनके नाम आप जानते हो? क्या नाम है उनका? पूरा देश जानता है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसान की जमीन हो, ये सब चीजें नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के हवाले कर रहे हैं। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की और देश में भयंकर बेरोजगारी फैला दी। आज इस देश में युवा चाहे भी उसको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे छोटे उद्योग, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। यहां बोकारो में बहुत अच्छा उदाहरण है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहां पे जितना रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट लेबर देश में फैलाते जा रहे हैं। मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, ये श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, सबके खिलाफ बीजेपी की सरकार अन्याय कर रही है। सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं, सामाजिक अन्याय। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, उनको अपना हक नहीं दिया जाता,
दलितों को दबाया जाता है और ओबीसी वर्ग जो है उनका जो हक है। हाँ, अभी आएंगे आपके पास, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आ जाइए। देखिए, मैं यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं, 7-8 घंटे हम बात करते हैं, 15-20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं, मेरी मीटिंग होती रहती है। मैं किसानों से मिलता हूं, मजदूरों से मिलता हूं, लेबर यूनियन के लोगों से मिलता हूं, युवाओं से मिलता हूं, सेना को जिनसे निकाला गया 1,50,000 युवाओं को, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलता हूं, अग्निवीरों से मिलता हूं। मैं आज इनको माइक्रोफोन देना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हालत के बारे में आपको 2 मिनट बताएं। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देश की आज जो मौजूदा हालात में 100% मजदूरों का में 98% ठेका मजदूर काम करते हैं, जिसका संख्या देश में 50 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन उसका हालात सबसे बदतर से बदतर हो जा रहा है। जो कांग्रेस का टाइम में 1923 में जो कानून बना कॉम्पेंसेशन एक, 1926 में जो ट्रेड यूनियन एक, 1937 में जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक, देश का आजादी का पहला दिन 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, बोनस एक्ट बनाया, समान काम का समान वेतन बनाया, लेकिन आज मोदी सरकार ने ये तमाम कानून को ध्वजिया उड़ा के नया कानून लाया, जो कॉर्पोरेट का पूंजीपतियों का हाथ में दे दिया, करोड़ों करोड़ों मजदूरों को असहाय बेबस उनको अन्याय में डाल दिया। आज राहुल जी झारखंड में आया, स्वागत है। जो करोड़ों करोड़ जो मजदूर है, ठेका मजदूर है, उनका जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय में लाने उनसे आग्रह है, उनसे इंश्योर करने के लिए उनसे बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप नहीं सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। देखिए, आप लेबर की आवाज हो, आपने मजदूरों के लिए काम किया, आपने मुझे बताया कि 30-40 साल आपने काम किया। आप मुझे बताइए, ये जो मीडिया वाले हैं आपकी बात कभी क्यों नहीं रखते? आपको मीडिया में देश कभी देख नहीं पाता, मजदूरों की आवाज नहीं आती, किसानों की आवाज नहीं आती, बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं आती। आप देश को बताइए कि मजदूरों की आवाज मीडिया पे, टेलीविजन पे क्यों नहीं आती? मजदूर देश का निर्माण क्या है, मजदूर देश को बनाया है, निर्माण क्या है, और मजदूरों का मेहनत का जनता का जो आवाज है उस आवाज को उठाने का जिम्मेवारी मीडिया का है, लेकिन मीडिया कॉर्पोरेट घराना का ही हिफाजत में उनका ही कारण, उनके लिए ही प्रबंधन और सरकार लिए काम करता है, उसी ने गरीब मेहनत कश मजदूरों का आवाज को ना उठा के उनका साथ अन्याय किया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको यहाँ खड़ा किया है कि वो मजबूर, उनको चॉइस ना मिले, वो अब आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ खड़ा किया। आप सब यहाँ आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।